अब अपन कान की तरफ आते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को कान की समस्या होती है, टेंटेनाइटिस हो जाता है, कान में गुनगुन की आवाज आती है, घंटी की आवाज आती है, या सुनने में कम आ जाता है। कोई ऑपरेशन कराता है, कोई मशीन लगाता है। वो आप एक्यूट फेज में, क्रॉनिक फेज में जब चले जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब ध्यान देते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि कान थोड़ा बंद हो रहा है या फिर कान में कोई भारीपन लग रहा है, तो तुरंत ही ऐसे रबिंग चालू कर दीजिए। खाली 1 पॉइंट ट्रीटमेंट है ये, रबिंग ऐसे चालू कर दीजिए, वी वी बना के उंगली की ऐसी रबिंग। और इसको और 100% रिजल्ट करना है तो ये वैक्यूम करके ऐसे दबाना है। और कान की समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो उसके लिए ठंड से बचना चाहिए, कफ कोल्ड से बचना चाहिए। इसीलिए जो मॉर्निंग वॉक में सुबह जाते हैं उनको मेरी बहुत ही ज़्यादा विनती या सलाह मान लीजिए कि वो कान में कुछ रुई वगैरह डाल के जाएं, क्योंकि आजकल बहुत सुनने में आता है कि मॉर्निंग वॉक में गए अचानक हार्ट अटैक हो गया या अचानक हार्ट में प्रॉब्लम हो गया। ये सब जकड़न से होता है, कफ से होता है। अपन मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, बॉडी हीट हो जाती है, और कोई भी ऐसे बिना स्वेटर पहने या बिना ढके निकलते हैं, एक तरफ से बॉडी हीट रहती है, एक तरफ से उसमें कोल्ड, जैसे तवे में अपन पानी डालते झन से आवाज आती है गर्म तवे में, वैसे गर्म बॉडी में जब थपेड़े पड़ते हैं ठंड के तो बॉडी उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती है, हार्ट में प्रेशर पड़ता है वो चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसीलिए हार्ट अटैक होने का चांस रहता है। इसीलिए ठंड में ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं, और कान से हमेशा ठंड अंदर जाती है, क्योंकि कान के पर्दे जो है वो बहुत नाजुक है, बहुत पतले हैं। इसीलिए कान का सबसे ज़्यादा ध्यान वो कोई नहीं रखता, हर कोई स्वेटर भी पहन लेता है तो छाती ढक लेता है या पीठ ढक लेता है या ग्लव्स पहन लेता है या पैर में मोजे पहन लेता है, लेकिन कान से जो हवा जाती है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है जनरली। इसीलिए वो कान के लिए जो कैप आता है वो लगा सकते हैं। पुराने लोग कनटोपा लगाते थे, आजकल फैशन हो गया कि अरे ये कैसा लगा के घूम रहा है, ऐसे करके आदमी को लगता है कोई दूसरा क्या बोलेगा, इसको इतनी ठंड लग रही है क्या, ये तो कश्मीर से आया है। ऐसे में बहुत